बाद शहर के तालुका में बाढ़ की स्थिति का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जायजा लिया। सभी बाढ़ ग्रस्त इलाके का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए जरूरी सहायता देने का आश्वासन दिया गया। हिंगनघाट शहर और तालुका में कल जलमय स्थिति हुई थी। शहर में आई बाढ़ को देखते हुए सभी नदी किनारे के नागरिकों को शहर के मोहता स्कूल में स्थानांतरित किया गया। इन बाढ़ग्रस्त लोगों को मोहता स्कूल में शरण दी गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने शहर के महाकाली नगरी के बाढ़ग्रस्त बस्ती का दौरा किया। उन्होंने सबसे बड़े बाढ़ग्रस्त मनसावली का दौरा किया। इस वक्त उप मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत कानोली में सभी परिस्थितियों का जायजा लिया और तत्काल शासन की ओर से सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस वक्त चंद्रशेखर बावनकुले, वर्धा जिला सांसद रामदास तड़स, विधायक समीर कुणावार, विधायक रंजीत कामले, जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार की प्रमुखता से उपस्थिति थी। प्रशासनाला सांगितलं की त्यांनी सगळा आढावा तत्काळ घ्यावा आणि कुठे कुठे काय काय नुकसान आहे ते नुकसान त्यांनी त्याचं असेसमेंट घेऊन सरकारला सांगावं। त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून तात्काळ या संदर्भात निर्णय आम्ही घेऊ। विशेषतः आता असं काही ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे एसटी बंद आहे, त्या ठिकाणी लवकर इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे तयार करता येईल, घरं पडलेले आहेत त्यांना कशी तातडीने मदत देता येईल, जे लोक रिलीफ कॅम्पमध्ये गेले आहेत, शाळांमध्ये गेले आहेत, त्यांना तात्काळ मदत कशी करता येईल, सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला असा आढावा घेऊन निर्णय करावा लागेल। ओल्या दुष्काळ या ओला दुष्काळ म्हणा किंवा मदत म्हणा, शेवटी मदतच करायची असते। जी काही जास्तीत जास्त मदत असेल आणि कुठे एखाद्या ठिकाणी निकषाच्या बाहेर जाऊनही करायची गरज पडली तर यापूर्वी आम्ही केली आहे। आम्ही तशी निकषाच्या बाहेर जाऊनही काही ठिकाणी अपवाद असतो तो अपवाद करावा लागतो, तो अपवाद करून देखील मदत करतो। हिंगनघाट से बीसीएन न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।